watching me on Expose India. Keep watching. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज। मैं हूं ट्विंकल कालानी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सरकार द्वारा नर्मदा नदी को बचाने के प्रयास केवल कागजों में ही देखे जा सकते हैं, हकीकत में तस्वीर कुछ और ही है। बीते कई सालों से नवघाट खेड़ी क्षेत्र के नर्मदा तट पर रेत माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े रेत का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। ये रेत माफिया नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन कर मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं। इसे रोकने में खनिज विभाग नाकाम साबित हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने इसकी कमान संभाली है और घेराबंदी करते हुए 10 रेत के ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली जब्त की है। प्राप्त सूचना के अनुसार मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर मालिक दिनेश ठाकुर और नंद प्रजापत सहित 7 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से रेत का अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि रेत माफियाओं में पुलिस का भय रहता है या उनका कारोबार पहले जैसा सुचारू चलता रहेगा। बड़वां से गोविंद शर्मा के साथ अखिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज। वॉचिंग मी ऑन एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। हाय, दिस इज विद्या बालन एंड यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।